वेलकम बैक दोस्तों, मैं मोहम्मद फैज खान, आप देख रहे हैं एफके ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डिस्प्ले की। कई सारे प्रकार के डिस्प्ले होते हैं दोस्तों। जब आप मार्केट से मोबाइल फ़ोन को परचेज करते हैं तो उसमें देखते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी चेक करते हैं, और मॉनिटर या खरीदते हैं तो भी उसमें आप डिस्प्ले को देखते हैं। कई सारे प्रकार के डिस्प्ले होते हैं, जैसे एलसीडी एलईडी और चाहे टीएफटी, एमोलेड, सुपर एमोलेड, इस प्रकार से कई सारे प्रकार के डिस्प्ले होते हैं। दोस्तों आप देखते हैं कि डिस्प्ले किस प्रकार से वर्क करता है। डिस्प्ले वर्क करने के लिए डिस्प्ले में एलईडी लगी होती हैं। एलईडी जो होती हैं छोटी छोटी, वो जलती हैं जब आपको जिस जगह जैसे होता है, जैसे आपका फ़ोटो या वीडियोज़ होगा तो उस हिसाब से उसमें आपके डिस्प्ले पर शो होता है, तो एलईडी द्वारा कार्य करता है आपका डिस्प्ले। तो इसमें दोस्तों जो एक एमोलेड डिस्प्ले होता है, एमोलेड डिस्प्ले में क्या होता है दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले में जो आप ओपन करते हैं किसी प्रकार के फंक्शन वीडियोज़ फ़ोटोज़ को, तो उसमें जो ब्लैक एरिया होता है, ब्लैक एरिया जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे आप ओपन करते हैं ब्लैक कलर वहाँ पर शो होना होता है, तो वहाँ पर कई एलईडी बंद हो जाती है और वो ब्लैक दिखता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि आपकी बैटरी कम जाती है। जब वो बंद हो जाएगी वहाँ का एलईडी, वहाँ की बंद हो जाएगी और आपको ब्लैक दिखेगा तो उतनी कम एलईडी जलेगी, तो आपकी बैटरी कम जाएगी। तो इससे क्या होती है, आपकी बैटरी कम जाती है। ये एमोलेड डिस्प्ले की खास बात होती है। एमोलेड डिस्प्ले में यही होता है कि उसमें आप जब कहीं कोई भी फंक्शन या वीडियो फ़ोटोज़ को ओपन करते हैं तो उसमें जो ब्लैक एरिया होता है, वो ब्लैक एरिया में मतलब जो लाइट होती है एलईडी अंदर से, वो बंद हो जाती है और आपका ब्लैक दिखता है डिस्प्ले पर। तो इससे क्या होता है, आपकी बैटरी जो होती है वो कम जाती है। और एमोलेड डिस्प्ले में आप तक जो होता है डिस्प्ले इन फिंगरप्रिंट आ गया है, डिस्प्ले में जो फिंगरप्रिंट रहता है वो लगभग एमोलेड डिस्प्ले रहते हैं, एमोलेड डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट रहता है। तो दोस्तों ये आपकी एमोलेड डिस्प्ले की क्वालिटी होती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप डिस्प्ले कुछ समझ गए होंगे। तो दोस्तों डिस्प्ले कई प्रकार के होते हैं, जैसे TFT, LCD, LED, AMOLED, सुपर AMOLED, इस प्रकार से कई सारे प्रकार के डिस्प्ले होते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।